राष्ट्रपति ओडिशा गस्तर आज थी तृतीय दिन। तृतीय दिन में दुईट कार्यक्रम में सामिल होती राष्ट्रपति प्रथम भंज विहार 25वां समावर्तन उत्सव में सामिल होते सेठार कटक आसी इंडोर स्टेडियम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सुवर्ण जयंती उत्सव में जोग देते राष्ट्रपति। भंज विहार 25वां समावर्तन उत्सव जोगदे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 35 जन छात्र छात्री को स्वर्ण पदक 43 जन को पीएचडी एवं 3 जन को डिलीट डिग्री प्रदान करथिले। जय जगन्नाथ रु अभिभाषण आरंभ करथिले राष्ट्रपति कहिछंति पुओ मानक ठारु झियो माने आगुआ विश्व रे महिला सशक्तिकरण पई भारत आदर्श पलटिछि एहा देश पई शुभंकर ज्ञानर सदुपयोग करने को छात्र छात्री को परामर्श दे राष्ट्रपति 2047 सुधा पूर्ण विकसित भारत गठनर लक्ष्य रही अर्थनीति विश्व में भारत एवं पंचम स्थान रही खूब शीघ्र तृतीय स्थान को जीव बोली निज अभिभाषण में कही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महिला मानक सशक्त करने पड़ो कि आज देखुची महिला को सशक्त करने जो परिवेश सृष्टि करा जो अपॉर्चुनिटी से दिगला जो सम्मान देवा दिगला से मर अंतर्निहित गुण जीरो पहचान करागला ताफल महिला मैंने आपे आपे आग आग को आसा निश्चित भाव भारत वर्ष एक बहुत शुभ सूचना। ब्रह्मपुर कार्यक्रम सारी कटक रे पहुंची राष्ट्रपति कटक इंडोर स्टेडियम रे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी रो सुवर्ण जयंती उत्सव रे जोग देथिले। कार्यक्रम रे राज्यपाल रघुवर दास सामिल होइथिले। राजयोग माध्यम रे मनीष निजर आत्मा को सशक्त करि पारिबे आजिकार अशांत वातावरण भितर आत्मा सशक्त हेले ही एक शांतिपूर्ण समाज गठन होइ पारिबो बोली राष्ट्रपति कहिसेंति। जब तक आत्मा परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम हलचल में ही रहेंगे और शांति में रहेंगे। सहनशीलता कम हो जाएगा, हिंसा भाव और शांति भाव उत्पन्न होगा। इसलिए हम चलते फिरते काम करते अपने आप को संयम रखें। राष्ट्रपति चारिदिनिया ओडिशा गस्तर आज थिला तृतीय दिन। आसंता काली राष्ट्रपति संबलपुर गस्त करी संथ कवि भीम भोई आविर्भाव पीठ एवं 64 सिद्धंक ध्वनि मंडप को जिबे। सेठारु झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रु दिल्ली फेरी जिबे राष्ट्रपति। ब्रह्मपुर रु कैमरा पर्सन आलोक सुरजित पंडा कटक रु कैमरा पर्सन प्रदीप्त ललित दीपक षडंगी और देवी प्रसाद महांती न्यूज 7।